अगर आपके पास भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने अप्लाई किया था रुपए क्रेडिट कार्ड के बिहाफ में, रुपए कार्ड जो मिला था वो आपने अप्लाई किया था, तो उसका डिटेल्स जो है कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है या ऑफलाइन शॉपिंग करना है तो कार्ड डिटेल्स चाहिए, तो कार्ड डिटेल्स को कैसे देखेंगे? तो आज के इस वीडियो में जो है पूरा डिटेल्स बताएंगे कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका कार्ड नंबर क्या है, CVV क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और साइड स्क्रीन में दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन, तो यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए टाइप करना आपको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद माई कार्ड्स, ठीक है। गूगल में टाइप करते हैं और फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा माई कार्ड्स, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है गेट OTP पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे OTP आएगा, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, सिर्फ अलाउ करना है। तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया है, अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबका नहीं होता, किसी किसी में डालना पड़ेगा, बट मेरे में जो है अलाउ करने के बाद ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है क्रेडिट कार्ड जो है दो कार्ड शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे दो कार्ड दिख रहा है, ठीक है। एक तो मेरा नॉर्मल कार्ड है और दूसरा जो है जो मैंने अप्लाई किया था रुपए क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बैक करते हैं और इस साइड स्लाइड करके इधर आ जाते हैं, ठीक है। स्लाइड करके इधर आ गए, यहाँ पे देखिए मेरा जो है UPI रुपए बीज डिजिटल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये डिजिटल क्रेडिट कार्ड है, अभी मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा कि इसका डिटेल्स कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिटेल्स देखने के लिए आपको इस कार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से देखिए खुल के आ गया ऑप्शन। यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन जो है एनेबल नहीं है क्योंकि मैं अभी तक यूज नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। अभी पिन वगैरह सब कुछ सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे देखिए ये कार्ड डिटेल्स, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, उसको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओपन HDFC बैंक पेज टू कंप्लीट ऑथेंटिकेशन, वी आर रीडायरेक्टिंग यू टू एन एक्सटर्नल, ठीक है, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके थ्रू से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है HDFC का लॉगिन ID पासवर्ड सब कुछ है। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर ID को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे वेरीफाई टू लॉगिन टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका पिन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, पिन डालने के बाद यहाँ पे फिर से OTP आएगा, इसको अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है कार्ड डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, और एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करते हैं तो CVV शो कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप HDFC बैंक का जो है रुपए क्रेडिट कार्ड का डिटेल शो कर सकते हैं, जो आपने अप्लाई किया था HDFC बैंक का कार्ड के बिहाफ में, ठीक है। जो रुपए क्रेडिट कार्ड, जो वर्चुअल रुपए कार्ड है, उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने बता दिया कि जो HDFC बैंक से जो आपने अप्लाई किया था HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड के बिहाफ में, जो रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, उसका कार्ड का डिटेल को कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।